यहाँ पे देखो गाइज, अपनी शादी की तैयारियां लड़का खुद ही कर रहा है घर को पेंट। अब हम शादी करेंगे देखना नन्नू की, ठीक है। किट्टा डार्क जो कलर किया है पिंक, पिंक नाल की कंट्रास्ट मैच करोगे? की लाइट होगी, छत लाइट होगी, कंधा का रंग भी उड़ूगा। कंधा का केड़ा करोगे? कंधा पे लाइट बेबी पिंक होगा, जो ऊपर ओदे छत पे हो। ए गंदा जा, मम्मी ने मामा देखो मामा हेलो चल भाई चलो की कहता मामा की ने की मामा कहता कि बोर्शी ना मत दे बजे आहो। ये देखो सारा कुछ ढक रखा है, यहाँ पेंट हो गया, देखो ये रह गया अभी थोड़ा सा इधर। हे भगवान, मम्मी खलारा, मम्मी मेरे लिए छड़ा है खलारा। देखना मैं पैटी लेके तो आई कि जो खा के देखती हूँ कैसी होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे भूख इतनी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है खाने का पर मैं उसे खा ही नहीं जा रही, अजीब सा टेस्ट आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग। अभी शाम का वक्त है, पता नहीं ये ब्लॉग मेरा आज तक ब्लॉग बना पाऊँगी कंप्लीट कि नहीं। अरे ये शाम का वक्त है, दोपहर सुबह में मम्मी के घर पे पेंट हो रहा है, वहाँ पे अब चलो ना बाहर पटाखे चलाए जा रहे हैं तो पेंट हो रहा है बाहर। और मेरे ना लिप्स फट गए हैं, यहाँ से मौसम चेंज हो रहा है, लिप्स फट गए, मेरे दर्द हो रहा है लिप्स में। और अभी मैंने कल गलती की जो कि मैंने बाबा जी के पूरा मंदिर पर चादर डाल दी थी, मैंने कहा फिर मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरे अपने आप के गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आया था तो इसलिए फिर मैंने मंदिर पे चादर डाल दी थी। अब मैं चादर हटा के, और चादर तो मैंने हटा दी थी सुबह, लेकिन मैंने अभी ज्योत बत्ती नहीं की थी तो मैं अब करने लगी हूँ शाम को ज्योत बत्ती। और कहते हैं पापा जी जो करते सही करते हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इतने दिनों से कि भगवान ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर कहते हैं ना वो जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो वो वजह जब सामने आ जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारे पापा हमारे लिए मतलब कभी गलत नहीं सोचते। और मैं पता नहीं, मैं बस जल्दबाजी में कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें कर जाती हूँ, बचकानी हरकतें कर जाती हूँ। तो चलो शुक्र है भगवान का कि सब कुछ ठीक है और ऐसा ही ठीक रहे। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो। और अब कोई भी मेरे को ऐसे धमकियाँ देगा ना, या मुझे धमकियाँ दे के और मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर मैं सबको उनकी नानी याद दिला देने वाली हूँ। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बट अब और नहीं। तो चलिए पहले अपन ज्योत बत्ती कर लेते हैं। अभी नहा के मैंने ये वाला अपना सूट पहना है, ये सूट ना एकदम मतलब कम्फर्टेबल सा है, मुझे अच्छा लगता है। कपड़े रखे हैं तय लगाने वाले, देखो ये साड़ी भी ऐसी रखी हुई है, सो धो के सारे कपड़े साड़ियाँ सब कुछ रखा मैंने, बस तय लगाने हैं इनको। तो रात को देखते हुए वक्त मिला तो तय लगा दूँगी। अभी मम्मी के घर जाना है, मुझे खाना बनाना है वहाँ पर, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैंने बाबा जी से माफ़ी मांग के ना दोबारा से ज्योत बत्ती आज स्टार्ट करी है, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन ज्योत नहीं जगाई, आज भी सुबह मैंने ज्योत नहीं जगाई। मेरी ना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। और मुझे अब बहुत लोग ये बोलते भी है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मतलब अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना, सब ये समझते हैं ये तो बोली है, इसको तो जैसे मर्जी चला लो, इसको तो जैसे मर्जी कर लो, मैं बोलती नहीं हूँ ना इस वजह से। लेकिन इनको सबको अब पता चल गया होगा कि जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि फिर मैं सामने वाले की ऐसी तैसी करके रख देती हूँ, ठीक है। और कई बार ना अपने हक के लिए आपको बोलना भी पड़ता है, ठीक है। और मैं किसको बोलती हूँ, मैं उन लोगों को बोलती हूँ, उन लोगों को जवाब देती हूँ
जिनका मेरी लाइफ में कुछ मतलब है, जो मेरे कुछ लगते हैं, जो मेरे कुछ लगते नहीं, जिनसे मेरा कुछ लेना नहीं देना नहीं, पता नहीं कहाँ के लोग तीसरे तिवाड़े को उठ उठ के आके मेरे पे बोलने लग रहे हैं, उनको मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। वो है ही कौन, वो लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं जानती नहीं पहचानती नहीं। बस लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, ज़िंदगी कहते इसी का नाम है। आज हमें ये पता चल गया कि देखो लाइफ में बहुत कुछ होता है, हर एक सिचुएशन, हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कुछ भी हालात आते हैं ना, हालातों से हमें कुछ सीखना चाहिए, और मेरे हालातों ने मुझे सिखाया और मुझे इतना बोल्ड बनाया आज कि मैं अब अपना आगे की तरफ देखती हूँ फ्यूचर। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, ना ही मैं पास्ट के बारे में कुछ सोच सोच के रोना चाहती। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ रह गया, सिर्फ मेरे भोलेपन की वजह से, मेरी अच्छाइयों की वजह से, कि मैं हर किसी के साथ अच्छा बन के रहती थी, अच्छा बिहेव करती थी, इस वजह से हमेशा हर जगह से मैंने ठोकरें खाई है। और वो कल की जो लाइफ में मैंने जो डिसीज़न लिया या मैंने जो कुछ भी बोला, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सामने वाले को एक नसीहत देने के लिए कि भाई मैं किसी की फेंकी हुई नहीं हूँ, मेरे भी माँ बाप ने मेरे को पैदा किया है, कहीं से डाउनलोड नहीं किया है मुझे, ठीक है, कि कुछ भी कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा गुस्सा बस इसी बात का था कि मेरे बेटे के लिए बोला तो आज उन्होंने सॉरी बोल दिया, तो अब उन्होंने बोला कि मैं दोबारा से कभी नहीं बोलूँगी, तो उम्मीद है यही हो। सो गाइस अभी मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ, इसको लेके आई हूँ लखनऊ को, इसको मैं भेजूँगी सुबह स्कूल, ये जाता नहीं है स्कूल, दो दिन हो गए पता है ये स्कूल नहीं गया है, मम्मी के घर पे चला जाता है वहाँ सो जाता है जिद करके। आज मैं धक्के से लेके आई हूँ, चल तू घर, तुझे सुबह स्कूल तोड़ूँगी, स्कूल से बचता, संडे को वैसे छुट्टी थी, मंडे को गया, ट्यूसडे फिर नहीं गया, ये इसका हाल है। अब इसको कल तो मैं किसी भी हाल में स्कूल भेजना ही भेजना है, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे मैं इसी वीडियो में एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी कि मैं गुस्से थी इनसे, मैंने आवाज़ क्यों नहीं लगाई इस वीडियो में, मेरा मुंह क्यों बना हुआ, क्योंकि मैं इनसे नाराज़ थी, मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ थी, इस वजह से मेरा मुंह बना हुआ था, ठीक है। लेकिन उनने मुझे वीडियो कॉल की थी, उनने वीडियो कॉल पर मेरा फास्ट खुलवाया था, और इस चीज़ में उस चीज़ का वो जो प्रूफ है वो थोड़ा सा मैं लगा दूंगी। मैं हर चीज़ का यहाँ पे प्रूफ देने नहीं बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ अपना काम करने बैठी हूँ, मैं अपना कमाने बैठी हूँ, मेरे को पता मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना कमाऊँगी, मैं किसी एक एक जने को मैं जाके प्रूफ दूँ, भाई क्यों प्रूफ दूँ मैं, मतलब क्यों प्रूफ दूँ। फिर ये इसका इसके इसने अपनी ननद की बेइज्जती करी, इसने अपनी ननद को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। देखो भाई मेरे बच्चे को उन्होंने गलत बोला, उन्होंने बद्दुआ दी, मेरे को देते, मेरे को गाली देते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतने दिन हो गए थे मैं चुपचाप सुन रही थी, सह रही थी, मेरे को बहुत कुछ बोला जाता था, मैं चुपचाप सहती रहती थी, ठीक है। लेकिन कोई मेरे बच्चे को गलत बोलेगा, कोई मतलब मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है, एक छोटा सा बेटा उसको कोई बद्दुआ दे रहा है मरने की, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगी, आप बर्दाश्त कर लोगे आपके बच्चे को कोई ऐसे बोलेगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। और मैंने अगर लाइव की है ना, मैंने जो भी कुछ वीडियो में बोला लाइव की है, तो वो जरूरी था, तभी सबके कान खड़े हुए हैं, मेरे को वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और मैं किसी को झुकाना नहीं चाहती, मैं किसी से माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती कि सॉरी बोलो, ये करो वो करो, नहीं, मैं ये चाहती थी एटलीस्ट उनको ये रियलाइज़ तो हो कि उन्होंने गलत किया, और उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने सॉरी बोल दिया मुझे, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा रिकॉर्डिंग, और उन्होंने बोला कि भाई सॉरी मैं गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे करके मेरे को किसी ने बात बताई कोई, और उस पर मुझे गुस्सा आया, और मैंने आपको ऐसे ऐसे करके बोल दिया कि भाई मैं किसी को गलत बोली हूँ, फिर मुझे कोई बोले तो समझ में आता, जब मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, सामने से आप मुझे आगे गलत बोल रहे हो, तो मुझे तो वही गुस्सा आएगा ना, मुझे तो बुरा लगेगा ना, इसलिए मैंने लाइव की थी। और मैंने लाइव की, मैंने सच्चाई ही बोली, मैंने कुछ भी झूठ तो बोला नहीं है। और रही बात आपके भाई की, तो आपका भाई अगर कोई किसी के पीछे लग के मेरे से क्लेश करेगा या मुझे गुस्सा करेगा, मैं उससे गुस्सा कर रही हूँ, मेरा हक है, हम दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं, हमारा हक है, ठीक है, हम ये बीबी हम एक दूसरे से लड़े झगड़े गुस्सा कुछ भी, लेकिन उसने फिर भी मेरा फास्ट खुलवाया, चलो थैंक यू सो मच कि उसने मेरा फास्ट है जो खुलवाया। और वो क्लिप मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगी, मैं आवाज़ नहीं ऐड करता जाती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मुझे ऐसे बोले जा रहे थे ना पीछे कुछ, तो मैं इसलिए आवाज़ नहीं ऐड कर रही थी, मैं बस मुंह बना रखा था, मैं इनसे बोल नहीं रही थी, और मैंने व्रत खोल लिया लास्ट में, मैंने इनको बोला कि हाँ मैंने व्रत खोल लिया, अब भी बस इतना ही होता है,
मैंने अभी पानी नहीं पिया था, तो फिर कहते कि बावली है तू, मिनट में मुंह फुला लेती है, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेती है। मैंने तो नहीं तुझे कुछ कहा ना, कोई तुझे कुछ कह रहा है, मैं तो नहीं तुझे कुछ बोला ना, तो मेरे पे गुस्सा हो रही है। तो बस ये बात थी, वो मैं उतनी सी मैंने रिकॉर्डिंग अब इस वीडियो में वो इतनी सी क्लिप मैंने डाल दिया, वो उतना प्रूफ काफ़ी होगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। प्रियांश आवाज कम कर ले, मुझे बहुत खींच चढ़ती है तेरे फोन से। तो चलिए वीडियो में एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।